अमृतसरी कुलचा ऑर्डर कर लिया, यहाँ पर छोले भटूरे ऑर्डर कर लिया। हम लोग अभी एक पाकिस्तानी स्टोर पे आए हैं। पापा आएगी साउथ ओल दी सब दो वड्डी ग्रोसरी मार्केट। 1710 से लेके 1849 तक जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स मार्कर माइलस्टोन। तो भाई कल का दिन जो है हमारा बहुत ही मजेदार रहा। हम लोग अपना रीजन स्ट्रीट लंदन आए और मैडम रिसॉर्ट घूमे। लंदन आए में हम रात के टाइम पे पहली बार बैठे हैं और इतना मजा आया था यार वहां पे बैठ के। मतलब वैसे तो वैसे स्लो स्लो ही चलता है वो, बट फिर भी मम्मी पापा के साथ जाके बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी का ड्रीम था पापा के साथ बैठने का, फैमिली के साथ बैठने का लंदन आए में, तो वो फुलफिल हो चुका है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आज का दिन स्टार्ट हो गया, हम ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं। यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट है प्रॉपर, मम्मी पापा को इंग्लिश ब्रेकफास्ट थोड़ा खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग आज साउथ हॉल में जाने वाले हैं। साउथ हॉल में पूरा हमारा प्लान है कि हम पहले गुरुद्वारे जाएंगे, मम्मी पापा को दिखाएंगे कि वहाँ पे, मतलब जो मूवीज में उन्होंने देखा है कि साउथ हॉल का दिखाते हैं काफी ज्यादा पंजाबी मूवीज में, तो वहाँ पे जाने वाले आज हम। और थोड़ा वहीं पे घूमेंगे, एक जगह है इंडियन खाने खाने की, तो वो मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड करी थी, हो सकता है हम वहाँ पर भी जाएं। उसके बाद हमारा एक डिनर प्लान है आज। अभी की जो कजन सिस्टर है वो यूके में ही है, तो उनके घर पे आज हमारा डिनर है। तो आज का पूरा दिन हमारा साउथ हॉल का होने वाला है। आज का ब्रेकफास्ट हो गया हमारा स्टार्ट यहाँ पर। साउथ हॉल का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है हमारा। पापा आर यू एक्साइटेड? या वेरी एक्साइटेड। आ जाओ। तो अभी सिंह सभा गुरुद्वारे आ चुके हैं हम, थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं अंदर। इन्होंने यहाँ पे सारे कॉइन्स की कलेक्शन रखी हुई है गुरुद्वारे में। 1710 से लेके 1849 तक जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स मार्कर माइलस्टोन, तब तक के ये देखो यहाँ पे कॉइन्स पड़े हैं पुराने वाले। जितने भी सिख राजा होते थे, हाँ, उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज निकाली हुई थी, तो वो ये करेंसीज है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राजाओं की। अच्छा, इन्होंने ना इसके अंदर फ्रेम कर रखी है कुछ कुछ करेंसीज। हाँ। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे और भी चीजें रखी है। आई थिंक यहाँ पे इन फ्यूचर काफी अच्छे से म्यूजियम बना देंगे। ये तलवार रखी हुई है यहाँ पे, सिल्वर हिल्ट तलवार, 19th सेंचुरी की है। ये भी 19th सेंचुरी की है, वेल्डेड। ये पूरा इन्होंने टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, साथ ही में मैप भी बना रखा है कि कौन सी जगह पे यहाँ पे सिक्के जो हैं वो बने थे या फिर मिले थे, है ना, बने थे। तो ये देखो पेशावर, रिवर इंदुस, कश्मीर वैली में, लाहौर में, मुल्तान। तो साउथ हॉल आते ही लोग मिलना स्टार्ट हो गए हैं हमें। अच्छा। बड़ा आके हक करिए। ट्यूशन लगानी है? ट्यूशन वो सामने ट्यूशन सेंटर है, है मम्मा, ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है। मैथ्स की ट्यूशन है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, 11+, सारी ट्यूशन है इंडिया की तरह। अभी की ना चप्पले, मम्मी की चप्पले छन 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 हो रही है पूरे साउथ हॉल में। असी हले साउथ हॉल भ्रमण ते निकले हैं। भ्रमण भ्रमण घुमण घुमण निकले हैं। मैं तो भ्रमण आज कुमण 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 गेड़ा लाने गेड़ी लगा रहे हैं साउथ हॉल की। यार ये बढ़िया लगा, बस के अंदर अपना मेरी मर्जी करके खुला हुआ है रेस्टोरेंट। थान देख के खुश होगी, थान कपड़ों की है ना, थान है। हाँ। और मेरे बड़ी हैरानी हुई, मुझे तो कि यहाँ थान भी मिल रहा है। पापा ऐ हैगी साउथ हॉल दी सब दो वड्डी ग्रोसरी मार्केट। बड़ी मुश्किल से बोला है, क्वालिटी फूड्स। भाई अफगान का भी है यहाँ पे, अफगानी चाप मिल जाएगी, पता नहीं क्या क्या सामान है। अफगान अफगानी बर्गर है, ओए होए होए, ओकरा लेडी फिंगर। अफगान में आई डोंट थिंक अफगानी चाप मिलती है। अरे वो तो अपना नॉर्थ इंडियन का है, अफगानी चाप नहीं, वो भी अगर तंदूरी मोमोज की तरह है ना, अगर वहाँ चले जाओ ना दिल्ली में, अपना वैसे ही मिलता सारा। बोल रहा था ना कोई कि सुशी में भी तंदूरी सुशी बना देंगे। ये पूरी पालिका बाजार वाली फीलिंग नहीं है,
जुतियों की स्टोर मिल गई है अभी और मम्मी को, बेबी एक एक पंजाबी जुती तो लेनी बनती है ना, अच्छी है यहाँ क्वालिटी तो सही लग रही है। इस साइड भी है, लड़कों का भी सेक्शन भी है। अच्छी लग रही है। अभी ने ये वाली सिलेक्ट कर ली है, दिखाना। अच्छी लग रही है ना? बहुत क्यूट। ये मम्मी ने सिलेक्ट करी है। चलो जुतियों की शॉपिंग हो गई है यहाँ से। और दुकान का नाम क्या है पाजी? दुकान का नाम क्या है? हैरी। अच्छा, हैरी फैशन। चलो बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल साउथ हॉल में जो मार्केट का नाम क्या? पैलेस शॉपिंग, उसके अंदर है। उसके अंदर है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे और हमारे, हम तो मेरे इंग्लैंड फैमिली के मेंबर मिल चुके हैं हमें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ साउथ हॉल में। जलंधर से हैं जी, अभी आए हैं ना आप यहाँ यूके? हाँ जी। चलो बहुत ही बढ़िया लगा। नहीं, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा बाजी। अच्छा, यहाँ पर ना छोटी छोटी दुकानों से लेके बड़ी बड़ी दुकानें तक भी है साउथ हॉल में, तो काफी अच्छे कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। इस साइड पे देखो आप, काफी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर। अगर यहाँ से अगर इंडियन शॉपिंग करनी हो तो काफी बड़ी बड़ी दुकानें भी है, मतलब अच्छे रेट्स भी सही है इनके, इंडिया जैसे रेट ही है। क्वालिटी भी, मतलब पहले लास्ट टाइम हम जब आए थे इतनी अच्छी नहीं थी, अब काफी अच्छा हो गया यहाँ पे सामान। हम लोग अभी एक पाकिस्तानी स्टोर पे आए हैं कपड़े देखने के लिए। हाँ, साउथ हॉल में हाँ ये अच्छा लग रहा है। कौन सा पसंद आया दिखाना? वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी और मम्मा ने और मेरी मम्मा के लिए भी एक पाकिस्तानी ड्रेस हमने यहाँ से ले ली है, तीनों ने। बहुत अच्छा है यहाँ से। क्या ब्रांड का नाम है? लाला रुख करके। और बहुत अच्छी है ना, और रेट भी बहुत अच्छे हैं। 30 pounds का हमें मिला है एक सूट, एंड इट वाज रियली गुड। फिक्स प्राइस 30 pounds ईच। और यार बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन है, मैंने आज तक ऐसी पहना नहीं है ऐसा वाला सूट। चलो बहुत अच्छा लगेगा, फोटोज आएंगे इंस्टाग्राम पे। हमें यहाँ पे गन्ने का जूस मिल गया, गन्ने का जूस पीने वाले आज हम। मशीन लगी हुई है गन्ने के जूस की। ऑरेंज जूस भी कितना सही लग रहा है, फ्रेश एकदम। ये सब मिस करते थे हम, यहाँ आ जाओ इंडिया को मिस करो तो। देख लो पापा, मिस नहीं करवाने दिया हमने। पापा कह रहे हैं ऑरेंज जूस वाली जो मशीन है ना, वो बड़ी अच्छी है। हाँ। उसमें छील के नहीं डालना, ऐसे ही डाल दो ऑरेंज। हाँ। एक साइड से छील रहा है, एक साइड से वो हो रहा है। हाँ जी, गन्ने का जूस पहली बार यूके में। ठीक है, अपना इंडिया वाला ज्यादा बेटर। इसमें अदरक नहीं है ना, अदरक पुदीना। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? ठीक है ना? नहीं है लेकिन हाँ, मिलता जुलता है भाई। साउथ हॉल आओ और इंडियन खाना ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। हमने सारी कुलचा ऑर्डर कर लिया, यहाँ पर छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है पापा, बट खा के जरूर जाना है यहाँ से। चलो टूट पड़ो जवानो। मूलियाँ ले जा रही है यहाँ पर। इतनी अच्छी फ्रेश मूलियाँ नहीं मिलती ना। हाँ, बड़ी अच्छी लगी हुई है। कितने की है? 1.5 pounds की 2 मूली। सही है, बढ़िया क्वालिटी फूड से यहाँ पर शॉपिंग की जा रही है। बहुत ही पॉपुलर ग्रोसरी शॉपिंग है भाई, फ्रेश इंडिया जैसी गाजरें हैं यहाँ पे, है ना पापा? जितना आप सोच सकते हो ना, उससे भी ज्यादा सामान मिल जाता है। इंडिया में तो सिर्फ इंडिया का मिलता है, यहाँ पे पाकिस्तान का, अफगान का, हर एक चीज मिल जाती है। बताओ, मतलब ऐसी चीज होगी जो इंडिया में भी नहीं है। आमला मुरब्बा लेना? आमले का मुरब्बा, सब कुछ है यहाँ पे। मैं ना अभी दिमाग में आया, क्या चीज नहीं देखी। हाँ। मैंने देखा इंडिया वाला रूह अफजा नहीं मिलता, दूसरा वाला मिलता है।
यहाँ मिल गया। अभी देखा इंडिया वाला भी है, मतलब जहाँ तक मेरी सोच जाती है ना उससे आगे बढ़ के सामान है यहाँ। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर वापस साउथ हॉल से और बहुत ही मजा आया और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इतने रोज ना लंदन जाओ, कल भी हम लंदन में थे, बहुत ज्यादा टायरिंग हो गया था। आज भी साउथ हॉल में काफी वॉक हो गई हमारी, लेकिन बढ़िया रहा है। आपको जूते मिल गई आज, जूती मिल गई, पाकिस्तानी सूट मिल गया और हमने बड़े अच्छे बेसन के लड्डू लिए जो बहुत ही ज्यादा कुलचा एक्सप्रेस से। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी वो छोले भटूरे की, वो कुलचा एक्सप्रेस की थी, वो तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। और साउथ हॉल घूमने के बाद हम लोग गए अभी की कजन के यहाँ पे डिनर करने, डिनर किया, अभी घर आ गए, काफी ज्यादा थक गए हैं, बस अब रेस्ट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना कैसी लगी, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Set me straight, pickpocket my eye socket.